नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलाई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है अपने हस्बैंड के साथ, मगर बीच में कुछ और करती भी नजर आती हैं, जिसके ऊपर उनके फ्रेंड्स पूरी नजर रखे हुए हैं। फिलहाल के लिए आपसे मैं यही बात करना चाहूंगी कि निकी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया रुबीना दिलाई को जब वो एक बच्चे के साथ थी और उन्होंने अपनी पोस्ट शेयर की, तो निकी का क्या सवाल था और रुबीना ने उसके ऊपर क्या दिया जवाब। करते हैं बात इसके ऊपर। पहले आपसे वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, रुबीना दिलायक ने एक बच्चे के साथ पोस्ट शेयर की और निकी तंबोली जिससे रहा नहीं गया वो यूजुअल सवाल पूछने का, जो हर मैरिड कपल को पूछा जाता है कि बच्चा कब पैदा करोगे, कब बनोगे मम्मी पापा। तो ये सवाल जब मैरिज होती है उसके बाद हर एक कपल को फेस करना ही पड़ता है, चाहे जितने मर्जी मॉडर्न हो जितने मर्जी बैकवर्ड हो। तो ये सवाल निक्की तंबोली ने पूछ लिया और यहाँ पे रुबीना दिलायक ने कहा कि ये हमारे फ्रेंड का बच्चा है और हम लोग अभी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं भाई, अभी हमारा कोई इरादा नहीं है माँ बाप बनने का। ये बहुत ही सेल्फ डिसीजन होता है दोस्तों एक कपल का कि जब वो चाहे तब अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए, मगर दुनिया है, दुनिया की बातें तो चलती रहती हैं। रुबीना दिलायक का ये जवाब मुझे काफी पसंद आया क्योंकि अभी टाइम है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, अपने आप को देखो, क्योंकि अभी डाइवोर्स उनका होते होते बचा है, अभी ये टाइम है एक दूसरे को और ज्यादा जानने का कि हम लोग दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो रुबीना दिलायक ने ये कहकर निक्की तंबोली का तो मुंह कर दिया है बंद। आप लोगों को कैसा लगा रुबीना का ये जवाब, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।